पटना से सहरसा या मधेपुरा जाने वालों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें कोशी इलाके में जाने के लिए लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। दरअसल बीपी मंडल सेतु 19 दिसंबर से चालू होने वाला है, जिसके बाद इस रास्ते पर सभी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। खगड़िया जिले में कोशी और बागमती संगम पर स्थित बीपी मंडल सेतु, जिसे डुमरी पुल भी कहते हैं, वह करीब 8 साल से बंद पड़ा था। बाढ़ के कारण इस पुल के 30 पिलरों में से 8 पिलर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके कारण इस सेतु पर गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी। इस पुल की मरम्मत का काम हैदराबाद की कंपनी एसपी सिंगला को सौंपा गया था, जिसने बीच के 8 पाए को तोड़कर 2 नए पाए और 4 पायलन के सहारे इस पुल को झूलने के जैसा बना दिया है। इस पुल का उद्घाटन 19 दिसंबर को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव करेंगे। महेश खूंटी पूर्णिया NH 107 पर स्थित बीपी मंडल पुल के चालू होने से पटना से सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जाने के लिए एक और रास्ता लोगों को मिल जाएगा। बता दें कि इस पुल के बंद रहने से अभी पटना और कोशी इलाके में आने जाने के लिए लंबा वक्त लगता है। लोगों को NH 57 से बाई रोड हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल होते हुए सहरसा और मधेपुरा जाना पड़ता है। उधर क्षतिग्रस्त डुमरी पुल की जगह पानी कम होने पर स्टील पुल से भी काम चलाया जा रहा था, जिस पर सिर्फ छोटी गाड़ियां ही चल सकती हैं। वहीं उसमें दिक्कत यह भी थी कि जब भी नदी में पानी ज्यादा हो जाता तो उस पुल को खोल दिया जाता था। लेकिन अब बीपी मंडल सेतु के ठीक हो जाने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पटना से सहरसा, मधेपुरा और इसके आसपास इलाकों में आना जाना आसान होगा। इसके अलावा राजधानी पटना से इन जगहों की दूरी भी करीब 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। ऐसे में दूरी घटने से लोगों को कम वक्त में अपना सफर पूरा करने का मौका मिलेगा।